हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे बच्चे ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, हम लोग अब रिवीजन क्लास लेने वाले हैं। ठीक है, कौन सी क्लासेस होंगी ये? तो ये मैथ्स की क्लासेस होंगी जो कि रिवीजन होंगी। तो अब आप, है ना बच्चों, अब आप गणित की जो क्लास लेंगे वो बेहतर तरीके से और रिवीजन के फॉर्म में लेंगे। ठीक है, कब से लेंगे? तो 14 फरवरी दिन सोमवार। ठीक है बेटा, हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं सोमवार से। क्लासेस कहाँ होंगी? क्लासेस ऐसे ही होंगी जैसे होती आई है, यहीं पे होंगी। ठीक, तो मंडे से हम लोग कुछ नया करने वाले हैं। अब वो क्या है? रिवीजन। कौन सी चीजों का रिवीजन करेंगे बेटा? तो मैथ्स का रिवीजन करेंगे जो कि आपकी क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या सारे बच्चों के बात समझ में आ रही है? अगर हाँ तो वाई टाइप करो। यस, तो आप सारे बच्चे क्लास को जरूर ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन करेंगे ना बेटा? यस सर। गुड गुड, ओके। ठीक है, चलो बच्चों आज की क्लास को अभी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हो। ठीक है, इस प्रकार की चीजें हम लोग अब करने जा रहे हैं, रिवीजन क्लास होने जा रही है। ठीक है, चलो। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथ्स पढ़ रहे थे, और मैथ्स में भी हम लोग क्या पढ़ रहे थे? तो मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति पढ़ रहे थे। चलिए इस क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। याद करो, पिछले क्लास में हम लोगों ने घनाभ का आयतन सीखा था। घनाभ का आयतन बेटा क्या होता है, किसी को याद है? तो घनाभ का आयतन होता है एल गुड़े बी गुड़े एच, जहां एल क्या होती है? घनाभ की लंबाई, बी क्या होती है? इसकी चौड़ाई, और एच क्या होती है? इसकी ऊंचाई होती है। और अगर घन के आयतन की बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होता है ए क्यूब, जहां पे ए क्या होता है? तो ए होता है घन का किनारा। बताओ बच्चों, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, अगर इतना क्लियर है तो आप कुछ सवाल करिए आप, है ना? चलो, कुछ सवाल हैं। जैसा कि ये एक रिकॉल टेस्ट है, इसको आपको करना है। मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया और पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया, तो अब सारे बच्चे इसका उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। ठीक है, रिकॉल टेस्ट। ठीक है बच्चों, इसका उत्तर करिए आप लोग। बहुत ही प्यारा सा सवाल है। देखो, सवाल क्या बोला गया है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? तो सबसे पहले आप इसका आयतन निकाल लीजिएगा, और आयतन मीटर क्यूब में अगर आएगा तो उसको गुणा कर दीजिएगा 1000 से, तो वह लीटर में निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है आपको। क्वेश्चन को सॉल्व करिए।
बेटा बाकी बच्चे भी इसका उत्तर कर सकते हैं, ठीक है? तो जल्दी से इसका आंसर करिए। पोल में सिर्फ 30 सेकंड के बाद पोल बंद कर दिया जाएगा, सिर्फ 30 सेकंड। बहुत ही बढ़िया। चलो बच्चों, अब मैं पोल बंद करने जा रहा हूं। सर 1 मिनट। अच्छा ठीक है, ठीक है बच्चों, अब मैं पोल बंद कर रहा हूँ, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। जिन बच्चों का आंसर आ गया था वही अब चैट में लिख सकते हैं। ओके बच्चों, चलो अब इसका हल देखते हैं हम लोग, ठीक है? देखो लिखा हुआ है कि एक घनाकार पानी की टंकी 10 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4 मीटर गहरी है। तो बेटा इसका आयतन कितना होगा? आयतन, इस पानी की टंकी का आयतन कितना होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये 10 मीटर लंबी है, 5 मीटर चौड़ी है, 4 मीटर गहरी है, ठीक है? 5 4 20, यानी कि यह 200 मीटर क्यूब आया। बेटा ध्यान से देखो तो यह अभी सिर्फ आयतन आया मीटर क्यूब में, है ना? जबकि आंसर हमें किस में बताने हैं? लीटर्स में बताने हैं, लीटर्स। तो जब लीटर में बताना है तो याद करो हमने आपको सिखाया था कि 1 मीटर क्यूब बराबर होते हैं 1000 लीटर। अब देखो यहाँ लिखा भी था, तो इसलिए 200 मीटर क्यूब बराबर 200 मल्टीप्लाइड बाई 1000, यानी कि 2 लाख लीटर। बेटा 2 लाख लीटर आएगा इसका उत्तर। कौन सा आंसर सही होगा? सी वाला आंसर करेक्ट होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया। तो सारे बच्चों ने देखा कि इसका विकल्प नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलो तो आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं बेटा, जिसका नाम है वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं बेलन का आयतन। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बेलन का आयतन, याद करो हम लोगों ने बेलन सीखा हुआ है कि क्या होता है, याद है आपको? बेलन एक ऐसी आकृति होती थी जो कि एक आयताकार सीट और दो वृत्त से मिलकर के बनी होती थी। इनसे हम लोग मिलके क्या बनाते थे बेटा? बेलन बनाते थे। क्या सारे बच्चों को ये चीज याद है? तो जो आकृति आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, ठीक है, यही क्या है? बेलन है, सिलेंडर है।
आज हमें सीखना है कि इसका आयतन कैसे निकालेंगे। देखो बेटा, किसी भी बेलन के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है, किसी भी बेलन के द्वारा जितना भी स्थान ग्रहण किया जाता है वह उसका आयतन कहलाता है। तो इस बेलन के द्वारा जितना भी जगह, जितना भी क्षेत्र ग्रहण किया जाएगा वह उसका क्या कहलाएगा? आयतन कहलाएगा। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई? ठीक है बच्चों, बहुत ही बढ़िया। अब देखना, आप सभी, हमें निकालना है बेलन का आयतन। कैसे निकाल सकते हैं? तो आपको इसके आधार का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर इसका आधार तो वृत्त है। जी हाँ बिल्कुल, आपको इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इस क्षेत्रफल का गुणा करना पड़ेगा इस बेलन की ऊंचाई से, तब जाके आपको क्या मिलेगा? इसका आयतन मिलेगा। तो एक बात बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है? इसकी त्रिज्या है। मान लेते हैं इसकी ऊंचाई बेटा है स्मॉल एच, इस बेलन की ऊंचाई क्या है? स्मॉल एच। तो इसको लिखा जा सकता है पाई आर स्क्वायर गुणे एच, या फिर इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर एच, और यही क्या है? बेलन का आयतन है। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गई कि बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? बताओ बच्चों। सर दोबारा से समझा दो सर, हाँ इस सवाल को दोबारा से समझा दो। बेटा, दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? चलो, बाकी बच्चों को क्लियर है? ठीक है, मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ। देखो, मैंने क्या कहा कि हमें इस बेलन का आयतन निकालना है, और यह आयतन आप तब निकाल पाओगे जब आप इसके आधार का जो क्षेत्रफल है ना बेटा, इसकी जो आधार का क्षेत्रफल है, इसका गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे? तो इसके ऊंचाई से। तो हमने कहा इसकी ऊंचाई h मान लेते हैं और इसकी त्रिज्या r मान लेते हैं, तो इसके वृत्त का जो क्षेत्रफल आएगा वो कितना आएगा? आखिर पाई आर स्क्वायर ही तो होगा, क्योंकि ये सब चीजें आप सीख चुके होंगे, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है। तो पाई आर स्क्वायर का गुणा हमने क्या कर दिया? इस ऊंचाई से कर दिया, यानी कि h से कर दिया। तो जो ही हमने इसका गुणा कराया, क्या पाया हमने? देखना, पाई आर स्क्वायर गुणे h, इसको लिख सकते हैं हम लोग पाई आर स्क्वायर एच। तो आप इस वाले सूत्र को याद रखेंगे। कब यूज करेंगे? जब आपसे बेलन का आयतन पूछा जाए तब यूज करेंगे। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ओके बच्चों। अब देखना बच्चों, 1 मिनट, अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देगी। सारे बच्चे रुके रहेंगे, ठीक है? 1 सेकेंड बस रुक जाइए। अभी आपको मेरी स्क्रीन दिखाई देने लगेगी, देखो। देखो, अब हम बता रहे हैं आपको कि बेलन का जो आयतन होता है उसको निकालते किसमें, यानी कि उसका मात्रक क्या होता है। तो बेटा, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है घन मात्रक। घन मात्रक क्या होता है? तो पहली बात ये समझ लीजिए कि घन मात्रक को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबिक यूनिट, ठीक है? अब ये क्यूबिक यूनिट हम निकालते कैसे हैं? देखो, याद करो, आपको सिखाया गया था क्यूबिक यूनिट मीटर क्यूब होता है, सेंटीमीटर क्यूब होता है, मिलीमीटर क्यूब होता है, यानी कि जो भी मात्रक आप ले रहे हैं, है ना, उसका पावर क्या है, उसका जो घात क्या है, वो 3 है, और इसी को हम लोग बोलते हैं घन मात्रक। क्या सारे बच्चों की बात समझ में आ गया? बहुत ही बढ़िया।
ठीक है बच्चों, ओके। तो अब मैं आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, इम्पोर्टेंट, समझना। मान लेते हैं कि हमने इस प्रकार से एक बेलन बना दिया और इसकी जो त्रिज्या है, आधार की त्रिज्या, वो हमने दे दी 3 सेंटीमीटर और इस बेलन की ऊंचाई हमने दे दी बच्चा 7 सेंटीमीटर। और मैंने आपसे पूछ लिया सपोज डैट कि बताओ बेलन का आयतन कितना होगा, तो क्या आप सभी निकाल पाओगे? देखना कैसे निकालेंगे। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो चलो बेटा पाई का मान रखो, पाई का मान 22/7 होता है, सारे बच्चे जानते होंगे, सारे बच्चों को मालूम होगा पाई का मान 22/7 है ना। आर का मान कितना है बेटा? तो आर का मान 3 है, रख दो यहाँ पे। और एच का मान कितना है? 7 है। अच्छा देखो 7 से 7 कट गया तो 22 × 3 का स्क्वायर 9। अब 22 और 9 गुणा करा दो, 198 है ना। हमने सिखाया था कि जो मात्रक आता है वो घन मात्रक आता है, देखो ये सेंटीमीटर्स में है ना, सेंटीमीटर्स में, इसलिए इसका आयतन क्या आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा बच्चों, जो कि आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो 198 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा। सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? ओके बच्चों, ठीक है। अच्छा अगर मान लेते हैं इसी प्रकार से, अगर मैंने पूछ लिया कि अगर इसी प्रकार से 5, ठीक है, इसी प्रकार के 5 बेलन हैं, एक बेलन नहीं है बेटा 5 बेलन हैं, तब उसका आयतन कैसे निकालते हैं आप? तो देखो एक बेलन का आया है 198, तो 5 बेलनों का कैसे आएगा? गुणा करके आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है बेटा, गुणा करके आएगा, 198 का गुणा करेंगे 5 से तो क्या आ जाएगा? 990। बहुत बढ़िया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई कि अगर आपसे 5 बेलन, 10 बेलन, 15 बेलन, 20 बेलन का पूछता है तो आप उसका गुणा कर देंगे, है ना? तो चलो बच्चों अब इसी प्रकार का एक क्वेश्चन करो, ये रहा आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ आप लोग। तो मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया लेकिन पोल सेक्शन मैंने ऑन कर दिया।
सारे बच्चे इसको सॉल्व करिए और इसका उत्तर दीजिए। सबसे पहले जानते हो बेटा क्या करना है? सबसे पहले एक खंभे का आयतन निकाल लेना। देखो त्रिज्या दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो उसको कन्वर्ट कर देना मीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे? 100 से डिवाइड करके, तो मीटर में आ जाएगा। ऊंचाई भी मीटर में है, तो आप क्या करना, पाई आर स्क्वायर एच का फार्मूला लगा देना। अब फार्मूला लगाने के बाद आयतन आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। फिर क्या करना, 14 से गुणा कर देना, आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, बेटी को आशीर्वाद तो देना है। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल में। मैंने आपको हिंट भी बता दिया है कि कैसे करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक खंभे का आयतन निकाल लेंगे, और जब एक खंभे का आयतन निकाल लेंगे तो उसको 14 से गुणा कर देना बेटा। ठीक, एक दिक्कत ये भी आ सकती है कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलें, तो 100 से डिवाइड कर देना 20 को। बेटा सिर्फ 1 मिनट और, ठीक है? 1 मिनट के बाद हम लोग पोल को बंद कर देंगे। जो बच्चे अपना कैमरा ऑन किए हुए हैं, सब बच्चे अपना कैमरा बंद करिए। राजकुमार, अंजलि डाबरा, ये जितने भी लोग हैं, कोई बच्चा कैमरा ऑन नहीं करेगा, ठीक है? ओके सर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलो बच्चों, अब मैं पोल सेक्शन बंद करूंगा 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो अगर आपको आंसर करना है तो 30 सेकंड है आपके पास, बस 30 सेकंड के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब हम पोल बंद कर रहे हैं और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। चलो, मैंने पोल बंद कर दिया, चैट सेक्शन ऑन कर दिया। जिन बच्चों का आंसर आ चुका है, भी चैट बॉक्स में लिख सकते हैं।
जिन बच्चों को आंसर करना है वे चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है बेटा, अब मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, देखो देखो, बोला गया है कि किसी मंदिर के खंभे बेलनाकार हैं। देखो एक मंदिर है ना बेटा, एक मंदिर है इस प्रकार से। अब इसके खंभे बनाए गए हैं बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार खंभे बनाए गए हैं इस प्रकार के। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? तो देखो, जो ये बेलनाकार खंभे बनाए गए हैं बेटा, अब इनमें पूछा जा रहा है कि कितने कंक्रीट की आवश्यकता होगी। तो कैसे निकाल पाओगे? कंक्रीट का मतलब होता है कि इसको बनाने के लिए कितने सीमेंट की आवश्यकता होगी ना, ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपको इसको बताना है तो आपको आयतन निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है। तो इसके आधार का त्रिज्या आर का मान दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर को बदल दीजिए मीटर में। कैसे बदलेंगे? 100 से डिवाइड करके। तो 20 एकम 20, 20 25 100, यानी कि 1/5 है ना बेटा, 1/5 मीटर आ गया इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या का मान कितना आ गया बेटा? 1/5 मीटर। सर यस। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 10 मीटर है ना, इसकी ऊंचाई है 10 मीटर। तो अब क्या करेंगे? अब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे। एक खंभे का आयतन, एक खंभे का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान 1/5 और एच का मान 10। अब इसी को सॉल्व करिए बेटा, इसी को सॉल्व करिए। इस 10 को काट देंगे 5 से, 2 बार में कट होगा। ठीक है, तो 22 ऊपर बचेगा, 2 ऊपर बचेगा, ये 2 और ये 22, दोनों का गुणा कर दीजिए, 44/7 नीचे, 5 यहाँ पे भी है नीचे, 7 5 35, यानी 44/35 मीटर क्यूब आ जाएगा ये एक खंभे का आयतन। इसीलिए हमें तो 14 खंभों का बताना था आयतन, तो 14 खंभों का आयतन, चूंकि एक खंभे का आयतन इतना है, तो 14 खंभों का क्या होगा? तो 14 × 44/35 है कि नहीं बच्चों? 7 × 2 = 14, 7 5 = 35, 44 × 88/5 डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 17.6 मीटर क्यूब। यही आपका आंसर है बेटा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? क्या अगर समझ में आ गई तो जल्दी से इसको नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जल्दी से इसको नोट कर लो।
आई होप आपने नोट कर लिया होगा या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना। तो अब मैं आंसर दिखाता हूं। देखो आंसर होगा सी, सी वाला करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलो अच्छा जो एक बात बताओ, पेंसिल आपने देखा ही होगा, है ना। पेंसिल देखना, तो अगर हम इस बात करें एक पेंसिल के बारे में, तो ये भी एक बेलन होती है कि नहीं होती, आप खुद बताओ। पेंसिल की अगर हम बात करें तो यह एक बेलन होती है या नहीं, हाँ या ना, वाई या एन, बताओ बच्चों। होती है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अच्छा एक चीज और, पेंसिल का जो ऊपरी वाला भाग ही देख पा रहे हो, अगर मान लो ये पूरा एकदम न्यू पेंसिल है ना, एकदम न्यू पेंसिल है, तो ये तो बेलन होती ही है। साथ में अगर आप देखो तो बीच में एक रॉड नुमा रहता है जिससे हम लोग लिखते हैं, ब्लैक कलर की रॉड होती है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेफाइट की रॉड, ठीक है बेटा। क्या आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो ब्लैक वाले से आप लिखते हो ना, जिस पॉइंट से आप लिखते हो, वह भी एक बेलन ही है, उसको भी हम लोग क्या मानेंगे, एक बेलन ही मानेंगे, ठीक है। क्योंकि पेंसिल बेलन है तो ये वाला पार्ट भी बेलन होगा, ठीक है। तो अगर समझना बेटा, अगर आपसे बोला जाए कि इस ग्रेफाइट का आयतन निकालो, इस ब्लैक वाले पार्ट का आयतन निकालो, तब क्या करेंगे आप, पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। और अगर इस पेंसिल का आयतन पूछा जाए तब भी आप पाई आर स्क्वायर एच वाला फार्मूला लगा देंगे, है ना। बस डिपेंड करता है कि उसकी त्रिज्याएं हमें मालूम हो, है ना बेटा, हमें उसकी त्रिज्याएं मालूम होनी चाहिए। क्या सारे बच्चों को इतना क्लियर हो गया? अगर हाँ तो एक बार वाई टाइप करो, ठीक है। अच्छा ठीक है, अच्छा एक बात और देखो बेटा, जो अभी को मैंने पेंसिल बनाया था वो कुछ इसी प्रकार से होगा कि नहीं होगा, अगर ये न्यू पेंसिल है पूरी तरीके से, ठीक है। तो अगर हमने बोल दिया इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तो इस लकड़ी की त्रिज्या कितनी होगी बेटा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लकड़ी है, जो लकड़ी होगा उसकी मोटाई कितनी होगी, मैं ये जानना चाह रहा था आपसे। मतलब पूरा नहीं, आप समझे नहीं, तब हमने क्या पूछा, हमने कहा पेंसिल जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, त्रिज्या का है, और जो ग्रेफाइट है जो बीच वाला पार्ट है ब्लैक वाला, वो 5 सेंटीमीटर है, तो लकड़ी कितना होगा। समझो आप, हमने कहा इस पूरे पेंसिल की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, चलो ऐसे दे दिया हमने, और ये जो ग्रेफाइट है ना बेटा, ये ग्रेफाइट, चलो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं, हमने दे दिया आपको 2 सेंटीमीटर। तो इस लकड़ी वाले का लेंथ कितना होगा, लकड़ी का लेंथ, चार होगा, बहुत ही बढ़िया।
जिन बच्चों ने चार आंसर किया वे सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो यही काम हम करेंगे अगले वाले प्रश्न में। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग पेंसिल का आयतन निकालेंगे और उसके बाद से ग्रेफाइट के आयतन को घटा देंगे, आपको उत्तर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन रहा ये, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। यस, जो बच्चे चार आंसर कर रहे हैं वो सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न में भी आपको यही करना है, घटाना ही है। क्या घटाएंगे, पेंसिल के आयतन को, ठीक है, घटा दीजिएगा ग्रेफाइट के आयतन से, आपको निकल जाएगा लकड़ी का आयतन, ठीक है बेटा। चलो इसको सॉल्व करो, बहुत ही अच्छा सवाल है। सारे बच्चे इस क्वेश्चन को लगाएंगे और तब जाके इसका उत्तर करेंगे पोल में, ठीक है। ठीक है बेटा, अगर आपको आंसर मालूम है तो ठीक है, क्या पता आपका आंसर गलत भी तो हो सकता है। तो कोई बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं बताएगा, ठीक है। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप पोल में बताएंगे, ठीक। बेटा आपके पास पूरे 2 मिनट का समय है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए तब जाके इसका उत्तर दीजिएगा पोल में। बाकी बच्चे भी इसका उत्तर करिए, ठीक है।
बेटा सिर्फ 1 मिनट और, ठीक है? 1 मिनट के बाद हम पोल बंद कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम पोल बंद कर रहे हैं, ठीक है, और चैट सेक्शन ऑन कर रहे हैं। सारे बच्चे इसका उत्तर करिए। चैट सेक्शन में बेटा इसका उत्तर कर सकते हैं आप लोग, ठीक है? बच्चों इसका उत्तर करिए आप लोग चैट सेक्शन में। कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी या डी? सर बी सर ठीक है, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपसे कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। तो यदि पेंसिल की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बेटा सिंपली इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है इसको आप समझ लो, है ना? सबसे पहले इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे समझ लो आप लोग। कोई भी बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है, ना ही कैमरा ऑन करिए। देखो यहाँ पे जो ग्रेफाइट का व्यास है, देखो बेटा सबसे पहले ये जान लो कि व्यास क्या होता है और त्रिज्या क्या होती है। देखो ये जो ए से लेकर के बी तक की दूरी है ना, इसको बोलते हैं व्यास। यह व्यास है, ठीक है बेटा? और व्यास का आधा अगर आप लेते हो, आधा, सिर्फ आधा, तो व्यास का आधा बेटा होता है त्रिज्या। समझ पा रहे हो आप लोग? इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो अब देखना, अब इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगा रहा हूं देखना बेटा। देखो दिया गया है ग्रेफाइट का व्यास, ग्रेफाइट का व्यास 1 mm, इसलिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी? इसलिए इसकी त्रिज्या होगी 1/2 mm, ठीक है बेटा? अब ध्यान से समझना, पेंसिल की जो ऊंचाई होगी
पेंसिल की लंबाई या ऊंचाई बराबर होगी ग्रेफाइट की लंबाई से, और वह कितना है? देखो वह 14 सेंटीमीटर है, ठीक है बेटा? कितना है? 14 सेंटीमीटर। इस 14 सेंटीमीटर को हम लोग चेंज भी तो कर सकते हैं एमएम में, क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 एमएम, ठीक? तो हमने ये चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया? क्योंकि इसकी त्रिज्या भी एमएम में थी, ठीक है बच्चों? अब देखना, ग्रेफाइट का आयतन क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। पाई का मान 22/7, आर का मान 1/2 और एच का मान 140, ठीक है बेटा? अब देखो इसको सॉल्व कर दो। 140 को काट दो 2 से, 70 बार में कटेगा। 70 को 2 से काट दो 35 बार में कटेगा। 35 को काट दो 7 से, 5 बार में कटेगा। 22 25 110, इतना एमएम क्यूब आएगा, ठीक है? ग्रेफाइट का आयतन। इसीलिए इसको चेंज कर दो अब। इस ग्रेफाइट के आयतन को चेंज कर दो आप, किसमें? सेंटीमीटर में। तो कैसे आएगा? 1000 से भाग करके। ये सारी चीजें आपको सिखाई जा चुकी है। आंसर कितना आएगा? 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। तो बच्चों इसको आप जल्दी से नोट कर लो, ठीक है? अभी ये सिर्फ और सिर्फ क्या आया? ग्रेफाइट का आयतन आया। अभी हमें लकड़ी का भी आयतन निकालना है, तो जल्दी से इसको नोट कर लो। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, है ना? आगे बताएं बेटा, आगे बताएं। ठीक है, ओके। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब मैं इसको आगे बढ़ाता हूं, और अब निकालता हूं लकड़ी का आयतन, है ना? लकड़ी का आयतन निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा पेंसिल का आयतन। पेंसिल का आयतन कैसे निकालेंगे? वही वाला सूत्र, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान बेटा 22/7 है, आर का मान 7/2 है, क्योंकि 7 mm था व्यास, तो 7/2 त्रिज्या हो जाएगी। एच का मान 140 होगा, 7/2 का स्क्वायर है, तो यानी 7/2 बटे 7/2 गुणे 140। इस 140 को भाग दो बेटा 2 से, 70। इस 70 को 2 से भाग दो 35। इस 35 को 7 से भाग दो 5, यानी क्या होगा? 22 × 7 गुणे, देखो बेटा यही आएगा, 22 × 7 × 7 × 5। इसका गुणा कराने में कितना आ रहा है? कोई बच्चा बताएगा इसका गुणा कराने में कितना आ रहा है? कोई भी बच्चा बताएगा क्या? 5390 mm³ आया। तो लकड़ी का आयतन क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था। लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, है ना बच्चों? पेंसिल का आयतन कितना आ गया? 5390। और ग्रेफाइट का आयतन कितना आया था बेटा? 110। दोनों को घटा दो तो 5280 मिलीमीटर क्यूब आया।
इसको सेंटीमीटर में बदल दो तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। 1000 से डिवाइड करने पे क्या आएगा, 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या होगा, लकड़ी का आयतन होगा। ये भी आपका एक आंसर है, जल्दी से इसको भी आप नोट कर लीजिए। ऑप्शन दिखा दो इसके। ठीक बिल्कुल बिल्कुल दिखा रहा हूं बेटा ऑप्शन। आपने इतना नोट कर लिया, सबसे पहले इतना बता दीजिए। ओके, तो यस सर देखो एक आंसर हम लोग का 5.28 आ गया, ठीक। यस सर और एक एक आंसर और क्या आया था, देखो यस सर एक आंसर आया था 0.11 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। ये दो आंसर आए थे, अब यही देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा। जी हाँ, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है बच्चों, बी करेक्ट है। सारे बच्चों को बात क्लियर हो गई? ओके बच्चों, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं मेरा पे समाप्त। और यस हाँ, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। सारे बच्चों को गुड नाइट। बेटा होमवर्क आपके ग्रुप में चला जाएगा, ठीक है।